इंदौर में कार रेलिंग तोड़कर बिजली पोल से टकराई कार। भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, दो गंभीर घायलों को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। सहयोगितागंज थाना क्षेत्र के गीता भवन चौराहे की घटना। इंदौर में प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी। गुंडे बल्लू के अवैध निर्माण को किया जमींदोज। हिम्मत नगर स्थित मकान पर चला बुलडोजर। बल्लू उर्फ बलराम माली पर एक दर्जन मामले हैं दर्ज। इंदौर में नकली नोटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 लाख के नकली नोट किए जब्त। बदमाशों से नकली नोट छपाने की मशीन बरामद। कराड़िया पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को धर दबोचा। इंदौर में नगर निगम कार्रवाई का विरोध। परिजनों ने कार्रवाई पर जताई नाराजगी। कर्मचारियों ने युवक को सिखाया सबक। निगम कर्मियों के साथ पुलिस बल मौजूद। मध्य प्रदेश में ठंड ने पकड़ा जोर। सीजन में पहली बार रात का पारा 7 डिग्री तक आया। प्रदेश में मंडला सबसे ठंडा। भोपाल में न्यूनतम तापमान 12 के नीचे आया। जबलपुर में हाथी की सूंड बिजली के तारों में फंसी। दर्दनाक हादसे में हाथी की मौत। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। कान्हा से भटक कर जबलपुर आए थे राम बलराम। जंगली हाथी वन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। दूसरे हाथी का अभी नहीं चल पा रहा पता। कोरोना समीक्षा बैठक। भोपाल में 5, इंदौर में 2 कैंटोनमेंट जोन बने। शिवराज ने कहा जहां केस ज्यादा वहां संख्या बढ़ेगी, और कहा जिन जिलों में कम केस वहां शादियों पर गैर जरूरी प्रतिबंध नहीं लगेगा। इंदौर के चौराहों पर प्रतिमा लगाने की नहीं मिलेगी अनुमति। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को किया जाएगा विस्थापित। प्रतिमाओं के कारण सुबह शाम चौराहों पर लगा रहता है रोज रोज के जाम से जनता को मिलेगी मुक्ति। ट्रैफिक सुधारने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देवास में देर रात भीषण सड़क हादसा। टेम्पो ट्रेवल और डंपर की आमने सामने की भिड़ंत। भिड़ंत के बाद टेम्पो ट्रेवल और डंपर में लगी आग। 3 लोग जिंदा जले। डंपर चालक फरार। इंदौर में क्रेन ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। काटाफोड़ रहने वाले युवक पर चढ़ाई क्रेन। हादसे में बसंत कर्मा की मौके पर मौत। परदेसीपुरा पुलिस थाना क्षेत्र का मामला।